और मुझे इतनी 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 खुशी हो रही ना कि मैं 6 महीने से वेट कर रही थी। मैं वही सोचा कि यार पहले बता देते तो मैं कुछ तैयारी कर लेती। कोई तैयारी नहीं, मैंने कुछ बनाया नहीं, जैसे अनप्राशन होता और मैं शायद अनप्राशन भी नहीं करती। मैंने बोला पहले ही बता देते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं शुरू कर रही हूँ सुबह से। ऑल दो मुझे उस ब्लॉग में बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत सारा काम करना था, बट सब कुछ फ्लॉप हो गया क्योंकि एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है। तो चलिए पहले तो मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी जिया और डुगू को उनके लंच के लिए, खाने के लिए, और मतलब मैं पता बात ही नहीं कर पा रही। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सफाई भी कर रही थी और मैं खिड़की खोल रही थी, छिपकली आ जाती है यार। तो ना खिड़की खोल देती हूँ मैं, छिपकली बाहर निकल जाती है, वरना छिपकलियाँ अंदर ही फंसी रह जाती है। तो जिया लेटी हुई थी, दोनों का खाना मैं रेडी कर रही थी। दोनों के लिए मैं सूजी का उपमा बना रही थी, जिया के लिए मैं सॉल्ट नहीं डाल रही थी, अदरक के लिए जो भी रिक्वायर्ड था वो डाल रही थी। तो दोनों का अलग अलग बन रहा है खाना, बट इट्स लाइक ठीक है, बच्चों को खाना है अभी। तो यहाँ पे अद्वित खेलने के लिए मुझे कह रहा था, तो मैं उसे मना कर रही थी कि मैं भी नहीं खेल रही। तो मैं उसके लिए खिलौने लेने गई और खिलौने लेके मैं आई ताकि वो अपने आप खेल ले। वैसे अद्वित एक ऐसा इंसान है, लेकिन एक ऐसा बच्चा है जो बहुत अच्छे से अपने आप खेल लेता है। तो क्योंकि वहाँ पे खाना बन रहा था तो मुझे दोनों को खाना भी देना था। तो यहाँ पे जी आराम से लेटी हुई थी, या उसका पता ही था, हम सकेंगे उसके छूटी नहीं, हम कुछ भी दे दें कुछ भी दे दें, वो हर चीज़ मुंह में डालती है। उसको पता है टीथिंग अभी दिख तो नहीं रहे हैं दांत, पर वो प्रोसेस शुरू हो गया है, तो मे बी दैट्स वाई। और पर वो पहले से ही करती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ना 1-2 महीने जो थे उसके स्टार्टिंग के, वो नैनी के साथ ज़्यादा रही। मेरे को लगता है मे बी यार इसलिए डुगू को बिल्कुल भी हैबिट नहीं थी ये वाली। और इट मे बी पॉसिबल कि हर बच्चा डिफर करता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। एक पेसिफायर ला के दूंगी मैं। तो नहीं, यहाँ पे मैं उस डुगू का खाना लेके आ गई थी, तो मैं चेक कर रही थी और ये सिर्फ 4 कौर खाएगा, ये खाना नहीं खा रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको, बहुत मूडी हो गया। इसे सिर्फ खेलना है, खेलना है, खेलना है, खाने से डुगू का कोई भी लेना देना नहीं है। तो जिया को भी भूख नहीं लगी थी, उसका खाना मैंने ठंडा करने रख दिया था। उसके खाने की जो कंसिस्टेंसी वो थोड़ी पतली रखी थी, बट सूजी जो है ना वो थोड़ी देर में ना अपने आप सॉलिड ही फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ पे हमारी जिया भी देख रही थी डुगू खाते हुए, उसका डुगू ने खाना बंद कर दिया। फिर मेरे को लगा चलो यार जिया का खाना चेक करके आते हैं। जिया का खाना भी ठंडा हो गया था। यहाँ पे हम थोड़ा सा पजल एंड शेप्स और अल्फाबेट कर रहे थे, और उसके बाद मैंने जिया को दिया। राजा घर पे नहीं थे, राजा ऑफिस निकले हुए थे अपने काम पे। तो यहाँ पे पता है, अब देखिए यार व्लॉग मिस मत करिएगा, प्लीज़ ये व्लॉग मिस मत करिएगा, क्योंकि इसके बाद का जो व्लॉग है बहुत अच्छा आने वाला है। और इस नेक्स्ट व्लॉग भी बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि आज शिवानी बहुत ज़्यादा खुश है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है कौन से दिन जिया? आज है अष्टमी, और सबको अष्टमी की प्लस जिस दिन व्लॉग जा रहा होगा उस दिन होगी नवमी। तो सबको बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। तो क्या है ना, सुबह से मैं इन लोग को देख रही थी, राजा ऑफिस निकले हुए थे अपने, और पता नहीं हमने व्लॉग शुरू किया था पर मैंने किया कुछ नहीं। लोगों को खाना खिलाना, फिर लोग खेल रहे थे, फिर बाथरूम को क्लीन करने के लिए मैंने कुछ लोग को बुलाया था। पीछे वाला बाथरूम बहुत वैसा हो रहा था, उसे डीप क्लीनिंग की जरूरत थी। मेरे पास ऐसा होता है कि मैं 2 बच्चों को छोड़ के अंदर कर देती हूँ, मैं कि एक को बिठाया एक को बाहर खेलते रहते, पर दोनों को छोड़ के मैं बाथरूम क्लीन नहीं कर सकती थी। तो मैंने बुलाया, वो हुआ। उसके बाद अभी जिया के मुंडन की तैयारी भी करनी है। तो मुंडन हम लोग सोच रहे दशहरा वाले दिन करा लें, क्योंकि उस दिन अनटोक मुहूर्त होता है, पर राजा कह रहे उस दिन काफ़ी भीड़ होगी क्योंकि यहाँ पे देवी जी जो है वो निकलती है। तो दशहरा वाले दिन का सोच रहा था, आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, काम 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 काम। फिर जाके हम रेडी हुए, अभी जा रहे हैं हम लोग सब्जी लेने और थोड़ा सा घूम के भी आ जाएंगे। मम्मा को, मम्मा को, बस 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 कर रहे हैं। उसके बाद फिर खाना बनाना मुझे आके, और डुगू जो है उसकी डाइट एकदम ख़त्म सी होगी, पता नहीं खाना ही नहीं खाता वो आजकल, पता नहीं क्या हुआ है। मैंने बनाया था उसके लिए उपमा, 4 कौर उपमा खाया उसने और वो नहीं खाया। जिया के लिए मैंने थोड़ा पतला कंसिस्टेंसी का उपमा बनाया था, इसके लिए मैंने थोड़ा सा वो बनाया। तो वेजिटेबल नहीं थी, तो डुगू के लिए वेजिटेबल की ज़रूरत है, तो वो लेने जाएंगे। जिया तो चलिए चलते हैं, ले आते हैं है ना। और बीच में कुछ काम है जो निपटा के आते जल्दी जल्दी से, क्योंकि फिर ना अभी तो वैसे बहुत भीड़ होगी रात भर, अभी हम लोग का शहर खुला हुआ है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है।
वापस, और वैसे खुशी नहीं कंट्रोल हुई एक्चुअली में। अच्छा, ये बात मुझे पहले नहीं पता थी, वरना शायद ये बात मुझसे पचती भी नहीं हो, मैं शायद आप लोगों को बहुत 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 पहले बता देती। तो हम लोग गए थे थोड़ा घूमने और सब्जी लेने। सब्जी तो हमें हालांकि नहीं मिली क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हमें कोई सब्जी वाला खड़ा नहीं हुआ था, तो बिना सब्जी लेके आए। रास्ते में थे हम लोग, अच्छे से घूम लेते हैं और थोड़ा सा कि कवर कर लेंगे, कल नहीं निकलेंगे। और ऑल ऑफ द सडन मेरी बहन ने मुझे व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजी, मेरे को लगा यार ये महोबा की लोकेशन थी, मेरे को लगा यार महोबा ये क्या है। फिर मैंने उससे पूछा तो वो थी पता कर, गैस कर। फिर मैंने फेसबुक पर उसका स्टेटस देखा, उसमें था कि शी इज़ इन जबलपुर, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने उसे बोला कहाँ है बता। तो फाइनली एक बहुत अच्छी खबर है, नवरात्रि में अभी से 4-5 घंटे बाद मेरे मम्मी पापा और बहन आ रहे हैं घर पे। तो हम लोगों ने ना वहीं पे बाहर ही खाना खाया फटाफट, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा मेसी था। तो मैंने दादा को बोला दादा 1 घंटा निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर खाना बनाऊंगी मैं जाकर तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो उन्हें वहीं पे ना सागर गेयर गेयर या जो वो था वहाँ पे, तो मैंने बोला दादा वहीं पे खाते हैं जल्दी से, क्योंकि मेरे से ना एक्साइटमेंट नहीं कंट्रोल हो रही है, स्टिल मेरे से एक्साइटमेंट नहीं कंट्रोल हो रही है कि उन्हें मुझे बताया नहीं और वो लोग आ रहे। इस टाइम मुझे बहुत ज़रूरत थी, मैं आप लोगों को बता रही थी और मेरा दांत नहीं बोल रहा, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं 6 महीने से वेट कर रही थी। और फिलहाल मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने उन लोगों को बताया था जिया के अनप्राशन से पहले। अभी तो मैं फिर भी बहुत ठीक हूँ और मैं मम्मी को फ़ोन करके रो रही थी और उनको पता नहीं सडन प्लान बना या क्या बना, वो मैं कल बताऊँगी, क्योंकि मम्मी पापा सो गए थे, मेरी बहन से बात कर रही थी। मम्मी पापा उससे शायद गुस्सा भी हो जाएं कि बताया क्यों, पर उसने मुझे बता दिया, बहन के पेट में बात नहीं पची, उसने बोला मैं बहुत दिन से छुपा के रखा था, तो बताया। और उसके बाद फिर मैं आई हूँ, राजा और मैं जल्दी जल्दी आए, मतलब हम लोग खा पी के आए, मैं राजा जिया, और अभी जिया को खाना खिलाएंगे, थोड़ा घर क्लीन करेंगे, राजा लेने जाएंगे, और मैं भी सुबह के खाने की तैयारी मुझे करनी पड़ेगी। तो मैं सोच रही हूँ लंच की तैयारी करूँगी, ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग देख लेंगे कहीं से भी, है ना, या फिर पोहा वोहा जो है वो कर लेंगे, क्योंकि सब्ज़ी तो मेरे यहाँ मिली ही नहीं। अगर उनका आने का मतलब पता होता तो मैं सब्ज़ी पक्का लेके ही आती, क्योंकि घर में ऐसा रहता है कि या फिर आपके सीरियल वगैरह कुछ रखे हुए लाइक नहीं ऐसे। पर फिर मेरे को लगा, फिर मैंने वही सोचा कि यार पहले बता देते तो मैं कुछ तैयारी कर लेती, मैंने कोई तैयारी नहीं की, मैंने कुछ बनाया नहीं, जैसे अनप्राशन होता और मैं शायद अनप्राशन भी नहीं करती, मैंने बोला पहले ही बता देते तो अनप्राशन के लिए मैं 3-4 दिन और वेट कर लेती, अनप्राशन जस्ट अभी हुआ है। तो लाइक मैं तो इतना खुश हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे को अंदर से इतनी खुशी हो रही है। मैं तो सोच रही थी कि अभी आप लोगों को नहीं पता, पर मेरे से नहीं कंट्रोल होती है चीज़ें। मैंने जब अपनी प्रेगनेंसी 3-3 महीने हाइट की है ना, क्योंकि पहले मैं क्या होता प्रेगनेंसी बता देती थी और कुछ ना कुछ गड़बड़ होती थी, और लोग बोलते थे कि इसने कंटेंट बनाया, या कुछ लोग बोलते थे पहले से नज़र लग गई, या कोई लोग बोलते थे कंटेंट ऑब्वियसली। तो जब मैंने जिया की प्रेगनेंसी 3 महीने हाइट करी, डुगू की प्रेगनेंसी हाइट करी, उस टाइम मेरे मुंह से ना कुछ निकलता रहता था, बट जब तक हार्ट बीट नहीं आ गई, जब तक सब कुछ बच्चा सही नहीं हो गया, मेरे को पता है मैंने 3 महीने कैसे छुपाया, नहीं छुपती हैं बातें पता है। मम्मी दीवा में से वही बोल रही थी कि ना पता क्या होता है, बता देते हैं ना तो अगर ऐसे कैमरे में बताते हैं तो वो चीज़ नहीं हो पाती है, इसलिए फिर हम लोग को लगा कि जब हम पहुँचेंगे तभी बताएंगे, पर मैंने पहले ही बता दिया कि अगर थोड़ा बहुत भी कुछ है ऐसा कि यार रहता है ना थोड़ा घर वर ऐसा है, तो फिर मेरे को वो अच्छा ना लगे ऐसा कुछ भी, कि ऐसा उसने नहीं कहा, ऐसा मुझे को लग रहा है। ऐसे तो घर क्लीन ही है क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे वाला घर है, पर फिर मेरे को लगा यार थोड़ी बहुत तैयारी मैं कर देती हूँ, तो मैं राजमा भी होने जा रही है, मैंने वेरी वेरी हैप्पी। मेरा अच्छा आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा क्या ये बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है, पर आपको शायद नहीं, मतलब मुझे रोना भी आ रहा है, मुझे हंसना भी आ रहा है, मेरे अंदर इतने सारे मिक्सड इमोशन चल रहे हैं कि मैं ना गर्म हो गई पूरी, ऐसा मुझे फीवर आ गया है, सोच के मेरा पेट बहुत दुख रहा है, मेरे को फीवर आ गया है। अभी से 4-5 घंटे बाद मेरे मम्मी पापा घर पे होंगे, बेटा कोको नहीं, अभी आई को बात करनी थी, मेरी मम्मी पापा घर पे होंगे। तो मैंने खाना ना कुछ नहीं बनाया, मैं बस बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ कि नौमी वाले दिन सुबह मेरे मम्मी पापा पहुँच जाएंगे, अराउंड 5:30-6 o'clock वो लोग आ जाएंगे। अभी कितना टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहा है, मतलब भक्के हम लोग का प्लान था कि हम लोग 3-4 बजे आएंगे, बच्चे तो कार में सो जाते हैं और घूम के आ जाएंगे हम लोग। हाँ ना बेबी, लोगों पहले आवाज़ कम करेंगे, कोको ये नहीं बात करनी देता है मुझे। तो मैं जा रही हूँ जल्दी से, और मैं और राजा फटाफट थोड़ा थोड़ा काम जो है
वो कर लेते हैं। बच्चों वाला घर क्या होता है, आप चाहो भी ना ना तो फैला रहता है। मैं थोड़ी सी बेडिंग की अरेंजमेंट, क्योंकि दो ही बेडरूम है हम लोगों के पास और एक यहाँ पे मैं गद्दा वद्दा भी डाल रही हूँ, सोएगा कोई नहीं, पर थोड़ा सा मैं अरेंजमेंट कर दूँ यहाँ पे, क्योंकि भी करंट देखिए मेरे को कपड़े धोने डालने थे, मैं लगा सुबह डालूँगी पर नहीं, अभी मैं उनको मशीन में डाल के आ रही हूँ बस, ये से लगा रही हूँ। यहाँ पर डुगोने चिप्स खाएँ वो क्लीन कर रही हूँ कि एटलीस्ट कोई भी घर पे आए तो उससे अच्छा फील हो। ऑल द मेरे मम्मी पापा हैं तो मुझे ऐसे मम्मी पापा कुछ नहीं जज करते, बच्चे ऐसे ही रहते हैं, बट आप थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तो आपको लगता है कि हाँ यार, एंड आई एम लाइक क्या बोलूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि वो लोग ऐसे आने वाले हैं, क्योंकि जब भी मैंने आप लोगों को बोला है वो लोग आ रहे हैं वो लोग नहीं आए हैं, और एकदम सरप्राइज था, एकदम सरप्राइज। और राजा मुझसे कह रहे थे तुम चल लेना स्टेशन, मैंने बोला नहीं यार मैं नहीं जाऊँगी स्टेशन, क्योंकि वो लोग जब तक आएंगे मैं थोड़ी चाय नाश्ते की तैयारी कर लूँगी, और इन लोगों के साथ ना बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ प्लेटफॉर्म वगैरह चढ़ना और सब। मेरी गाल क्या करें, मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही, पता है मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही एक्चुअली, और मेरे से घंटे नहीं पास हो रहे अब। आई थिंक आप लोग बहुत खुश होंगे ना, जी अब पहली बार मेरी नाना नानी से मिलने वाली है, लाइक फर्स्ट टाइम पैदा होने के बाद वही नाना नानी से मिलने वाली है, और मम्मी पापा जो है वो एकदम अच्छे अच्छे टाइम पे आ रहे हैं, क्योंकि अभी घर पे कोई भी नहीं है तो वो लोग आराम से, मतलब पड़े रहता है कि थोड़ा सा अगर हम लोग का अलग घर होता तो अलग बात थी, पर एक थोड़ा सा होता है ना अगर आपका वो नहीं हो रहा तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। दादा 5-6 घंटे बाद चलो, मेरी बहन अभी तक मम्मी पापा को भी नहीं पता है कि दीपा ने बता दिया, उसने मुझे थोड़ा बताया, उसने सिर्फ लोकेशन में ना महोबा यार ये पड़ता है, क्योंकि हम लोग जाते हैं ना तो ट्रेन में स्टेशन पड़ता है, मैंने बोला ये महोबा कहाँ से पहुँच गई, और वो 6 मिनट पहले उसका दिखा रहा था कि वो जबलपुर में है, मैंने बोला ये जबलपुर कहाँ से आ गई, रात के 2-3 बजे के 1:30 बज रहा था, तो फिर मैंने बोला तो जबलपुर का तरह से स्टेटस डाल दिया उसने, अब मुझे वही लग रहा है। राधा कह रहे कि हो सकता वो तेरे साथ प्रैंक करियो, मैं तो प्रैंक भी कर सकती है क्या वो, ए हट ऐसा प्रैंक करेगी ना तो मैं बता बहुत रोने वाली हूँ। मेरे को लग रहा था मम्मी से बात कर लूँ, फिर मेरे को लगा कि रहने दो यार 1-1.5 बजे कॉल करेंगे, मैं बोली पागल होगी के, वैसे पर वो इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी, मेरा दिल टूट जाएगा यार। और हाँ, दीपा पहली बार घर आ रही है शादी के, वो आई थी घर इस वाले जब वो छोटी थी, आई थिंक वो 6th-7th class में थी तब आई थी, इसलिए लाइक वेरी एक्साइटेड, मेरी बहन मम्मी पापा आ रहे हैं, तो चलिए यार जल्दी जल्दी काम करते हैं, ठीक है ब्लॉग को हम एंड करेंगे, जल्दी करेंगे पहले थोड़ा काम निपटा लेंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा सा घर अरेंज कर लेते हैं ना, और उसके बाद फिर हम करेंगे, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी जी हाँ मिलने वाली है पहली बार अपने नाना नानी से, और उसका शायद से मैं मायके भी जा पाऊँगी, लाइक यहाँ मेरे बहुत ज़्यादा दांत दिख रहे हैं, मेरे पता है दांत तभी दिखते हैं जब बहुत खुश होती है, और बहुत सालों पहले मेरे बहुत दांत दिखते थे तो लोग बोलते थे दांत दिखाती है बहुत ज़्यादा, पर जब मेरे को बहुत खुशी होती है ना तब मेरे दांत बहुत दिखते हैं, मेरे गाल दिख रहे हैं। हाँ बेबी मेरे बच्चे की नाना नानी मौसी वाले हैं, अरे मेरे बच्चे से तो मिलने वाले हैं, हाँ खुशी तो दिखा दो अपनी, आहो ले ये मैं पहली बार मिलूंगी अपनी नाना नानी मौसी से, मैं तो अपनी नानी और मौसी जैसी भी लगती हूँ ना, तो मज़ा याद आएगा अब तो। और बात यह है कि वो त्योहारों में आ रहे हैं, हम लोग इतने अच्छे से घूम पाएंगे, और फिर मेरे को चॉप चॉपिंग करनी है वो भी करेंगे, और खूब सारी मस्ती करेंगे, और मेरा थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, और शायद मैं मेंटली रिकवर कर पाऊँ, तो चलिए जल्दी से काम कर लेते हैं। काम मैंने कर लिया है, तो हम लोगों ने थोड़ा काम निपटाया है, वैसे घर साफ ही था,
बट थोड़ा बहुत कर लिया। तो मैं कर रही हूँ अपने इस वीडियो को एंड, मिलती है आपसे इन नेक्स्ट वीडियो। आज के व्लॉग में पता नहीं क्या होगा यार, एकदम से खबर मिली जो कि आई थिंक किसी भी व्लॉग से बढ़ के थी या किसी भी एक्टिविटी से बढ़ के थी। एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, एक्चुअली मुझे ही बहुत वेट है अभी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो, थोड़ा सो जाते हैं हम लोग, उसके बाद फिर मम्मी पापा से ही मिलते हैं।